हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपसे एक हमारी गलती कल से शेयर करना चाहते हैं, जिसके चलते हमारा मोनेटाइज चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसके ऊपर मैंने YouTube में बहुत सारे पर्सनल वीडियो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें इसमें वीडियो कहीं नहीं मिला, जिसके चलते हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो हमारा चैनल मूवी और वेब सीरीज से रिलेटेड गलत चैनल है, लेकिन आप लोग भी यूट्यूबर होंगे और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो गया होगा, कहीं इसी गलती के कारण आपका चैनल भी डिमोनेटाइज ना हो जाए, इसके चलते मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसके कारण मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है, और डिमोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ मैं उसके लिए आपको यहाँ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। तो आप मेरे यहाँ साइड में देख सकोगे, मैं अपने फोन की स्क्रीन उस पर गलत स्क्रीन दिखाऊंगा आपको। तो चलिए, मैं पहले आपको फोन की स्क्रीन दिखा। तो आ गए हैं हमारे फोन के होम स्क्रीन पे। अब आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको YT स्टूडियो दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको प्रूफ हो कि हमारा जो चैनल है ये मोनेटाइज हुआ था कि नहीं हुआ था, और ये डिमोनेटाइज हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए, ये हमारा ये प्ले स्टोर है, आप साइड में देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले मैं एनालिस्ट में जाता हूँ, और एनालिस्ट पे ही आपको पता चलेगा कि हमारा चैनल मोनेटाइज था कि नहीं। तो ये देखिए, ये हमारी अर्निंग दिखा रही है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो मोनेटाइज चैनल है उसी में अर्निंग शो होती है, तो ये आपको मेरी अर्निंग दिखा रही है, तो इसका मतलब मेरा चैनल कभी ना कभी मोनेटाइज हुआ था। अब मैं लास्ट में आपको रेवेन्यू का ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ। आप जानते होंगे, जिनने अपना चैनल मोनेटाइज किया होगा या फिर आप यूट्यूब में काम कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि चैनल जिसका मोनेटाइज होता है उसी का रेवेन्यू का ऑप्शन आता है। तो मतलब हमारा चैनल ये मोनेटाइज हुआ होगा, इसलिए रेवेन्यू का ये ऑप्शन आया है। तो मैं आपको यहाँ रेवेन्यू में क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर 4 महीने का आपको क्या बोलते हैं रेवेन्यू यहाँ शो करता है, 4 महीने में अपने क्या, सॉरी 4 महीने बोल रहा हूँ, 6 महीने का। तो 6 महीने का आप ये देख सकते हो, 6 मंथ यहाँ लिखा हुआ है। आप देख पाओगे कि यहाँ 6 मंथ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो मेरा 4 महीने पहले चैनल मोनेटाइज हो चुका था। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखो 4 महीने का ये दिखा रहा है। तो 4 महीने में मेरी जो कहते इनकम आई थी वो यहाँ पे शो हो रही है। हाँ, अब लेकिन आप यहाँ देख तो पा रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को डॉलर का ऑप्शन आपको दिखाता हूँ कि डॉलर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। ये देखिए, मेरे वीडियो से डॉलर का ऑप्शन हट गया है। अब और मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अर्निंग का ऑप्शन नीचे साइड दिया है, ये अर्निंग का ऑप्शन नीचे साइड दिया, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर आपको ये देखो दिखा रहा होगा कि मुझे एक मैसेज आया है, यहाँ पर जो मोनेटाइज पार्टनर का जो मेरे को मैसेज था कि आप मोनेटाइज में पार्टनर हो चुके हैं, यूट्यूब के पार्टनर बन चुके हो, आप यहाँ से इनकम कलते कमा सकते हो, कलते वीडियो से रेवेन्यू कमा सकते हो, लेकिन वहाँ पर मेरे को वीडियो आने लगा है यहाँ पे रीयूज़ का ऑप्शन दिखाने लगा है। इसका मतलब क्या है कि हमको कोई ना कोई हमने गलत कर दी है, जिसके कारण हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। ये आपको ये मैसेज मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, हमको ये मैसेज है, इसमें डू और डोंट, मतलब कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, उसके ऊपर यहाँ पर मेरे को मैसेज किया गया है। तो ये नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये हमें नहीं करना है, जिसके चलते मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसके कारण हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। तो हमने गलती यहाँ कर दी कि हमने जो शॉर्ट वीडियो डाले थे, हमने बहुत पहले से शॉर्ट वीडियो डाले थे, मेरे ये इस चैनल पर कम से कम 50 से 100 शॉर्ट वीडियो थे, लेकिन नई YouTube गाइडलाइंस आई, मैंने अब तक खास ध्यान नहीं दिया, और मैंने क्या किया कि इसमें शॉर्ट वीडियो रहने दिया और मैं और भी शॉर्ट वीडियो डालता रहा। लेकिन YouTube गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप किसी का शॉर्ट वीडियो यूज़ करते हो दूसरे का, तो मैंने दूसरी वेबसाइट से वीडियोस उठाए थे, क्योंकि मेरा मूवी और वेब सीरीज से रिलेटेड वीडियो चैनल है। तो मैं क्या करता था कि दूसरे से शॉर्ट वीडियो उठाता था, डायलॉग उठाता था, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करता था, अपनी वॉइस देता था और वीडियो डालता था। लेकिन मैं फिर लापरवाही करने लगा, और मैं क्या करता था कि उनके वीडियोस उठाता था और डायरेक्टली थोड़ा बहुत एडिटिंग करके डाल दिया करता था। लेकिन यही इसी महीने की 8 तारीख को मेरे को मैसेज आया कि आप दूसरे के जो वीडियो यूज़ कर रहे हो उसमें सही तरीके से एडिटिंग नहीं कर रहे हो, आप वॉइस ओवर सही तरीके से नहीं कर रहे हो, आप पूरा का पूरा उस वीडियो को उस पर डाल दे रहे हो, जिसके चलते हम आपका चैनल डिमोनेटाइज कर देते हैं। और मेरे को फिर टेंशन होगी कि साले डिमोनेटाइज क्यों हो गया। लेकिन अब घबराने की बात भी नहीं है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो गया है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पर मैंने बोला है कि 1 महीने का समय दिया है, कि 1 महीने के अंदर अगर मैं वो गलती हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो फिर मेरे को मोनेटाइज का ऑप्शन देगा वो, और मेरा चैनल दोबारा मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन दोबारा ये गलती नहीं करना है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो गया है, या आपके साथ ऐसा कुछ हो ना जाए, आपने भी ऐसे रीयूज वीडियो डाले हो, उसमें सही तरीके से एडिटिंग नहीं की हो, तो आप लोग भी उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आगे आपको भी मैसेज आ सकता है। क्योंकि मेरे तो मैंने 6 महीने के वीडियो डाले हुए थे,
उनके कारण मेरे को आया है। तो ऐसा मैं सोचना है कि अभी तक मुझे नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको भी ऐसा मैसेज आ सकता है और आपका भी डीमोनेटाइज चैनल हो सकता है और आपकी एक महीने की रेवेन्यू आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए आप लोग भी अपने चैनल को संभालिए और ऐसे वीडियो होंगे तो उसको डिलीट कर दीजिए। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगी होगी चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा चैनल मूवी से रिलेटेड है। अगर आपको मूवी से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।